हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइरोनिक सॉल्यूशंस। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैटिक कॉइन के बारे में। मैटिक का जो है वो बहुत जल्दी ब्रेकआउट होने वाला है और वो हमें देखना है कि उसका ब्रेकआउट बुलिश होता है या बिरिश होता है। वो सारी चीज़ें यहाँ से मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ से अगर हम देखें तो मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हैं और ये जो दो ट्रेंड लाइन्स हैं ये यहाँ पर बहुत बार इस पॉइंट को टच कर चुकी हैं। फर्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमारी स्टार्ट हुई थी, ये ट्रेंड लाइन सेकंड और थर्ड टाइम इसने यहाँ से इसको टच किया है और नीचे से हमारी ये दो जो लाइंस आप देख रहे हो यहाँ पे, जो विक देख रहे हो कैंडल की, यहाँ पे टच हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ से इसका ब्रेकआउट होना बाकी है। उससे पहले हमने एक छोटा सा ब्रेकआउट देखा था जो कि 83 के बाद ब्रेकआउट करने के बाद वो 85 रुपीज़ पर गया था, तो 2 रुपये का प्रॉफिट था, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ बड़े की। यहाँ से इन केस अगर ब्रेकआउट होता है देन आप जो देख सकते हैं मैटिक का प्राइस वो 98 रुपीज़ तक जा सकता है। मैटिक 98 पे आपको देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है। 98 के लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 112 का। 112 के बाद जो नेक्स्ट लेवल है 127 का, देन 138 का, 149 का एंड ऑन अप टू। इसका पूरा चार्ट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सो अभी 85 की रेजिस्टेंस पे है। अगर ये लोएस्ट जाता है तो आपको इसका प्राइस 82 रुपीज़ के अराउंड या 83 रुपीज़ पे भी मिल सकता है। हो सकता है अगर आपको एक चांस मिले 82 और 83 पे लेने का देन आप ले सकते हैं। अगर मार्केट क्रैश करती है तो ये वापस 76 पे भी आ सकता है। रिस्क दोनों तरफ है, लेकिन जैसे कि बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ से पंप कर रहे हैं, मैटिक ने अभी तक पंप जो है वो नहीं किया है। अगर यहाँ से ये भी पंप करता है देन एटलीस्ट 98 तक का हम जो है वो टारगेट ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सेफ साइड के ऊपर एंट्री लेनी है, उस एंट्री का भी मैं ये लेवल आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। उस लेवल पर अगर आपको एंट्री लेनी है जैसे अभी यहाँ पर है, तो आज के दिन अगर ये ब्रेक करता है तो हम एंट्री लेके चलते हैं अराउंड 90 रुपीज़ के अराउंड। अगर 90 और 91 थोड़ी सेफ हो जाएगी, अगर 91 के अराउंड आपको मैटिक देखने को मिलता है आप एंट्री ले लो और जो हमारा शॉर्ट टारगेट होगा वो 98 रुपीज़ का होगा। उसके बाद आपको होल्ड करना है। डिपेंड करता है अब ये कितना ऊपर जाएगा, इसकी बारे में यहाँ पर आपको कोई भी नहीं बता सकता। मैं क्या आपको कोई भी नहीं बता सकता कि मैटिक कितना ऊपर जा सकता है। 98 के बाद जो लेवल्स है मैं आपको शेयर कर दूं, 98, उसके बाद 112, 127, 138, 149, 162, 178, 187, उसके बाद तो इसका जो ऑल टाइम हाई था वो वहाँ पे जाएगा। वो आपको 200 रुपीज़ पे भी मिलेगा, 198 के अराउंड मिलेगा, देन 210 के अराउंड मिलेगा और एट लास्ट आपको 220 के अराउंड जो है वो मैटिक का प्राइस देखने को मिल सकता है। सो अभी यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ से इसका जो ब्रेकआउट है वो होना बाकी है। कभी भी हो सकता है, इसका एग्जैक्ट टाइम भी आपको यहाँ पे कोई नहीं बता सकता। जस्ट ये बता सकते हैं कि येस हो सकता है और इन केस अगर होता है तो मैटिक एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको आने वाले टाइम पे दे सकता है। एटलीस्ट अगर अच्छे से प्रॉफिट देता है तो 138 तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैटिक से। अब यहाँ से जिसको भी एंट्री लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इन केस अगर ये थोड़ा सा डाउन जाता है तो कितना डाउन जा सकता है। तो हम इस कैंडल तक यहाँ पे मान के जा सकते हैं कि यहाँ तक जा सकता है। 81 के अराउंड भी मिल सकता है आपको, मैटिक 82 पे भी मिल सकता है और अगर हम बहुत ही लोएस्ट की बात करें देन 81.332 के अराउंड, हाँ 81.166 के अराउंड भी मिल सकता है या 81.2 के अराउंड भी आपको देखने को मिलता है। इसके बीच बीच कहीं भी मिल सकता है, तो 82 पे भी एंट्री ले लो तो कोई बुरी नहीं है। इन केस अगर आपको नीचे की तरफ मिलती है देन डेफिनेटली आप एटलीस्ट 10% अमाउंट से रिस्क ले लें। 10% वो अमाउंट जो आपने सिर्फ मैटिक के लिए रखी है, लेट से 10,000 रुपये आपने मैटिक पे लगाने हैं, उसका 10% मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट कीजिए। तो पूरी अमाउंट यहाँ पे नहीं बोलेंगे, बाकी की जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 82 के अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, 85 पे भी लेना है तब भी आप लेके रख लो जो 10% है। उसके बाद कंफर्मेशन होने के बाद 91 पे अगर कंफर्मेशन होती है देन हम 98 तक का जो है वो टारगेट रखेंगे, तो 91 तक का वेट करेंगे। अभी अगर आपको लेना है तो आप इतनी अमाउंट से अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट लेवल मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैटिक। इसका जो ब्रेकआउट था बहुत लोग पूछ रहे थे कि कब होगा और क्यों ये ऊपर नहीं बढ़ रहा, तो दोबारा से जब मैंने चार्ट्स को एनालाइज किया तब ये पिक्चर मेरे सामने आ रही थी और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पैटर्न देखने को मिल रहा था और यहाँ से ये ब्रेकआउट के चांसेस जो हैं वो दिख रहे थे। वो माइनर ब्रेकआउट था, अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो वो एक मेजर ब्रेकआउट होगा क्योंकि बाकी सारे ब्रेकआउट जो हैं वो हो चुके हैं साथ के साथ, अब इसका सिर्फ बाकी है। लेट्स सी, देखते हैं मैटिक कहाँ तक पहुँचता है। सो आपको क्या करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे डिस्कशन कीजिए हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।